नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के फेवरेट मार्केट जैसे डोनट्स घर पर बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम सामान का यूज किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी मिस ना हो। आइए बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले डोनट्स बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। एक बाउल में एक छलनी रखें, इसमें 1 कप मैदा, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक डालकर अच्छी तरह छान लें। कई बार चीनी पिसी हुई रखने से उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, छानने से चीनी के क्रिस्टल दूर हो जाएंगे। देखिए, लास्ट में जो क्रिस्टल बच गए हैं उसको निकाल दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालें। आप इसमें मेल्टेड बटर या देसी घी भी डाल सकते हैं। अब आटे में ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। हमने 1/2 कप दही लिया है। दही रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दही नहीं लेना है। अब इसमें चम्मच चम्मच करके दही डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लें। डो में 1/2 चम्मच ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए ढक कर रख दें। हमने 1/2 कप दही लिया था। इस डो को बनाने के लिए 4 चम्मच दही का ही यूज हुआ है। आधे घंटे बाद देखें, डो फूल गया है। देखिए, डो में जाली सी बन गई है और कितना सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं मसलना है। अब इस डो के 2 पार्ट कर लेते हैं। अब इस डो का एक पेड़ा बना लेते हैं। अब चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उस डो को बेलते हैं। डो को पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। हल्के हाथों से डो को बेल लें। अब किसी गिलास या कटोरी से डो को गोल शेप में काट लें। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कैप लेकर उसके किनारों पर मैदा लगाकर बीच में से काट कर डोनट्स की शेप बना लें। एक्स्ट्रा डो को हटाकर उसको बाकी के डो में मिक्स कर लें। देखिए, परफेक्ट डोनट शेप बनकर तैयार हो गई है। अब डोनट्स को प्लेट में निकाल लें। घबराइए मत, कई बार डो उठाते हुए डोनट की शेप बिगड़ जाती है। देखिए, हमने ऐसे ही सारे डो से डोनट्स बना लिए हैं। अब इनको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने मीडियम गर्म ही करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब कढ़ाई में एक एक करके डोनट्स डाल दें। कढ़ाई में ज़्यादा डोनट्स नहीं डालने हैं, जितने आ सकते हैं उतने ही डोनट्स डालें। देखिए, डोनट फ्राई होकर ऊपर आ गए हैं। अब इनको पलट लें। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए, डोनट्स फूल गए हैं। अब इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। देखिए, फ्राई होने के बाद डोनट्स का कलर कितना अच्छा आया है। बचे हुए डोनट्स भी फ्राई कर लेते हैं। इस डो से हमारे 12 डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही सारे डोनट्स फ्राई कर लें। ये डोनट्स बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसे घर के सामान से आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन डोनट्स पर शुगर पाउडर छिड़क कर भी खा सकते हैं।
मगर इसको हम मार्की स्टाइल बनाते हैं। तो हमने डेरी मिल्क की चॉकलेट ली है, इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें। चॉकलेट को डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट करते हैं। गैस पर एक बर्तन रखें, उसमें पानी डालें और एक बर्तन रखें। देखिए बर्तन ऐसा लेना है जो पानी को टच ना हो। अब इसमें बारीक कटी हुई चॉकलेट डाल दें और मेल्ट कर लें। पानी उबलता रहेगा और चॉकलेट मेल्ट होती रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखें, चॉकलेट को मेल्ट होने में 15-20 मिनट आराम से लग जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच दूध डाल दें और चम्मच से हिलाते रहें। देखिए धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट हो रही है। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसको कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हर्षी सिरप डाल देते हैं, जिससे चॉकलेट का कलर डार्क हो जाए। देखिए हमारी चॉकलेट की कोटिंग बनकर तैयार है। देखिए हमारे डोनट्स कितने फूल गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसकी कोटिंग करते हैं। डोनट्स लेकर ऐसे कोटिंग करनी है चॉकलेट में डिप करके। देखिए कितना बढ़िया डोनट्स बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। ऐसे ही सारे डोनट्स की कोटिंग कर लें। देखिए देखने में कितने सुंदर और टेस्टी लग रहे हैं। अभी मन कर रहा है अभी खा जाएं। हमने ऐसे ही मिल्की बार चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, हम इसे गार्निश कर रहे हैं। आप इस पर नारियल के बुरादे से भी गार्निश कर सकते हैं। हमने इस पर मल्टी कलर की सौंफ, वाइट और ब्राउन कलर के चोको चिप से गार्निश की है। यही मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था, मैंने इसी से डोनट्स को गार्निश किया है। लीजिए हमारे मार्केट जैसे डोनट्स बनकर तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।